Assalamualaikum friends, my name is Sajjad Ali and welcome to my YouTube channel Sajjad Creation. वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और कपल लव नेमार्ट वीडियो। तो गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, तो गाइस अगर आप भी इस तरह का लव कपल नेमार्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइस आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने यहां से प्लस वाले साइन पर टैप करना है और गाइज यहां से आपने ये 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन गाइज आपने यहां पर एक बॉर्डर वाली पीएनजी इमेज को ऐड कर लेना है। तो गाइज इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देन गाइज आपने इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है जितने सेकंड का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं, ठीक है गाइज, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। देन गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर एक ट्री वाली पीएनजी इमेज को ऐड करना है, तो उसके लिए आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये ट्री वाली पीएनजी इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइज इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइज इसे जो है आपने यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो गाइज इसे जो है आपने यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। देन गाइज आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। देन गाइज अभी आपने यहाँ पर एक कपल वाली पीएनजी इमेज को ऐड करना है, तो उसके लिए अगेन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहां से आपने ये कपल वाली पीएनजी इमेज को यहां पर ऐड कर लेना है। तो गाइस जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस ऐड करने के बाद इसे भी आपने यहां से पकड़ के बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। बड़ा करने के बाद आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है और उसके बाद यहां से ओके कर दें। तो गाइस उसके बाद जो है अभी आपने यहां पर एक बटरफ्लाई वाली पीएनजी इमेज को ऐड करना है। तो गाइज उसके लिए अगेन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपने ये बटरफ्लाई वाली पीएनजी इमेज को भी यहां पर ऐड कर लेना है। तो गाइज इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज ऐड करने के बाद इसे जो है आपने यहां से पकड़ के इस तरह से रोटेट कर लेना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद गाइज इसे आपने छोटा कर लेना है, तो यहां से पकड़ के आप इसे छोटा कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटा करने के बाद गाइज इसे जो है आपने यहां पर लेके आना है और यहां पर आपने इसे रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद गाइज आपने इसके अंदर एक एनिमेशन को ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। और गाइज यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पर आपको दो एनिमेशंस मिल जाएंगे, फ्लोटिंग एंड ड्रिफ्टिंग, ये दोनों, तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद गाइज आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज उसके बाद जो है अभी आपने यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दोनों का यहाँ पर आपने नाम लिखना है। तो गाइज नाम लिखने के लिए आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है पहले आप बॉय का नाम लिख लीजिए। तो गाइज एज एग्जांपल मैं यहाँ पर राजा लिख देता हूँ, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपने स्पेस देना है और यहाँ पर जो भी इमोजीज आप यूज करना चाहें यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। देन गाइज आपने यहाँ पर गर्ल का नाम भी लिख देना है, तो गाइज एज एग्जांपल मैं यहाँ पर रानी लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइज नाम लिखने के बाद आपने सिंपली यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज यहां से डबल ए पर क्लिक करें और गाइज यहां से जो भी फॉन्ट स्टाइल आप इस नेम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली यहां से कर लीजिए। तो गाइज यहां से जो है मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल इस नेम के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। सो गाइज फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपने यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज आपने इस नेम को ऊपर लेके आना है, यहां पर ले आने के बाद आपने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद गाइज आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहां तक आपने बैकग्राउंड को रखा है और उसके बाद सिंपली यहां से ओके कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहां पर एक बॉर्डर को क्रिएट कर लेना है। तो गाइज बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करके यहां पर आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आपने शेप पर क्लिक करना है और यहां से ये स्क्वायर वाले शेप को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहां से कलर जो है व्हाइट ही रहने दे, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये डॉट शो हो रहा है, तो गाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये वाले डॉट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज आपने जो है यहाँ से फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर को क्रिएट कर लेना है। तो गाइज बॉर्डर को क्रिएट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद गाइज आपने इसी बॉर्डर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे जो है आपने यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गाइज आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है, जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। तो गाइज उसके बाद जो है अभी गाइज आपने यहाँ पर जो नेम लिखा है आपने उस नेम वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे एक एनिमेशन देना है। तो गाइज एनिमेशन ऐड करने के लिए आपने यहाँ से इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा इंटर स्लाइड लेफ्ट वाला, तो आपने ये एनिमेशन इस नेम के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसे बिल्कुल एंड पर ले जाना है, ठीक है यहाँ पर, और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से ओके करना है, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर एक फॉग वाले इफेक्ट को ऐड करना है। तो गाइज फॉग वाले इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके ओवरले पर क्लिक करना है, ठीक है। और गाइज यहाँ से आपने एक ओवरले को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है मिस्ट्रियस फॉग, जो कि यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइज आपने इसे डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल है गाइज। यहाँ से आप नीचे आएंगे, लास्ट में आपको गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इस ओवरले को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइज डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ से ये लास्ट वाले इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से ओके करें, देन गाइज आपने जो है ना इसे यहाँ से पकड़ के नीचे लेके आना है, यहाँ पर आपने इसे रख देना है। उसके बाद आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर एक और इफेक्ट को ऐड करना है, जो कि रेन वाला, ठीक है। तो गाइज उसके लिए आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके ओवरले पर क्लिक करना है, और गाइज यहाँ से आपने एक और ओवरले को भी डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रेनी डेज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइज इसे भी आप सेम मेथड से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाले इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। देन गाइज आपको यहाँ पर अल्फा कैपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी कैपेसिटी को आपने कम कर देना है। तो गाइज इसकी कैपेसिटी जो है आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मैं जो है 41 तक रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ओके करना है, देन आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर एक कलर वाले वीडियो को ऐड करना है। तो गाइज उसके लिए आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये कलर वाले वीडियो को भी ऐड कर लेना है। तो गाइज इस कलर वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज कलर वाला वीडियो ऐड करने के बाद इसे आपने यहां से पकड़ के फुल स्क्रीन में सेट करना है, देन गाइज आपने यहां से चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद गाइज यहां से आपने मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आप अपने चैनल का लोगो वगैरह यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर ऐड कर लीजिए। मैंने जो है अपने चैनल का एक ब्लैक स्क्रीन में लोगो बना रखा है, तो मैं जो है उसे यहां पर ऐड कर लेता हूं। तो गाइज लोगो को ऐड करने के लिए आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से अपनी गैलरी में से उस लोगो को यहां पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज ये मैंने ब्लैक स्क्रीन में बना रखा है, तो यहां से जो है मैं चले जाता हूं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहां से स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसे छोटा कर लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से। छोटा करने के बाद जो है इसे मैं यहां पर इस कॉर्नर पर रख देता हूं, ठीक है। तो गाइज आपने भी इसी तरह से यहां पर इस वीडियो में अपने चैनल का लोगो जो है वो ऐड कर लेना है, ओके हो गया। देन गाइज फाइनली जो है आपने यहां पर ऑडियो को ऐड करना है। तो गाइज ऑडियो को ऐड करने के लिए आपने स्टार्टिंग में आना है, देन ऑडियो पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से जो भी सॉन्ग आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं सिंपली यहां से कर लीजिए। तो गाइज यहां से जो है मैं ये वाले सॉन्ग को ऐड कर लेता हूं, ठीक है। सो गाइज ऑडियो को ऐड कर लिया है। उसके बाद गाइज चलिए अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो गाइज जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज इसी तरह से जो है आप इस तरह का वीडियो स्टेटस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली आपने यहां से शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, देन यहां से क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके अल्लाह।